आगे के लेक्चर में हमने लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखा, अब हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे, यानी कि कॉस्टिंग की मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट मेथड यूनिट कॉस्टिंग। द मेथड ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फर्स्ट, वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कंटिन्यूअस एंड only a single product or two or more product of similar types are manufactured. यानी कि मैन्युफैक्चर में जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन प्रक्रिया सतत कंटिन्यू यानी कि सतत होती है। only a single product यानी कि one type of product, एक ही प्रकार की वस्तु या बहुत कम टाइप की प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है। ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड यानी कि सारे एकम एक समान होते हैं। द प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड इन डिफाइंड यूनिट्स यानी कि कोई चौकस यूनिट को हम कोई चौकस प्रमाण से चौकस माप से उसको डिसाइड कर सकते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन विच द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइनिंग शोइंग इच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द टोटल कॉस्ट यानी कि यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने के लिए जो सिस्टम जो मेथड यूज होती है उसको यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा जॉब कॉस्टिंग। जॉब इज अ स्पेशल वर्क अंडरटेकन एट द इंस्टेंस ऑफ अ कस्टमर और फॉर स्टॉक पर्पस यानी कि कोई स्पेशल ऑर्डर से या तो कोई कस्टमर के ऑर्डर से या तो दो चार छोटे ऑर्डर उसे जो प्रोडक्शन करने में आता है उसको जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। इस मेथड से जॉब को कॉस्ट का अलग ही यूनिट माना जाता है। जॉब सिर्फ एक या थोड़ी सी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं तो कि एक दवाई की कंपनी है, उसमें एक स्पेशल ऑर्डर आता है कि एक ही टाइप की उनको 10,000 गोलियां बनानी है। तो यहाँ पर जो 10,000 की गोलियां बनती है उसको जॉब कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद अब थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अनदर वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज नोन एज सर्टेन कॉस्टिंग वेयर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर कैरिड आउट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली अ बिग जॉब। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को जॉब कॉस्ट से ही डिसाइड किया जाता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जो हाउस है यानी कि मकान है, ब्रिज है, मशीनरी है, वो सब बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की मेथड यूजफुल होती है। अब देखते हैं बैच कॉस्टिंग। A variation of job costing is known as batch costing, where unit of cost is a batch. It is employed where order or jobs are arranged in batches convenient for production. जब production की प्रक्रिया को यानी कि production की क्रिया को कुछ चौकस प्रक्रिया या चौकस step में डिवाइड कर सकते हैं तब एक प्रक्रिया उसका जो प्रोडक्ट हुआ होगा मटेरियल दूसरी प्रक्रिया के लिए तैयार होता है उसको बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टेंस स्टेज और प्रोसेस इट इज डिजायरेबल टू
एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ईच स्टेज, यानी कि प्रोडक्शन की एक क्रिया से कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स में एक फर्स्ट स्टेप जो माल तैयार करता है उसमें से, यानी कि जो मटेरियल तैयार होता है उस मटेरियल में दूसरे स्टेप में उसमें फिर से प्रोसेस करने की होती है, फिर दूसरे स्टेप में से तीसरे स्टेप में फिर से प्रोसेस करने की होती है, उसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल है कि एक कापड़ की फैक्ट्रीज है, उसको तीन स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्पिनिंग होता है, दूसरे स्टेप में वीविंग होता है और तीसरे स्टेप में फिनिशिंग होता है, उसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज़ ओनली अ रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि उस पर एक अलग से प्रोसेस करने की आती है, यानी कि जैसे कि गौ है उसको रिफाइन करने का होता है और फिर से उसको एक अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वैसे उसको ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं। अब 7 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वेयर गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर बट सर्विसेज आर रेंडर्ड, द मेथड ऑफ एज सर्टेनिंग कॉस्ट पर यूनिट और ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज नो एज ऑपरेटिंग। जब प्रोडक्शन नहीं बट सर्विस दी जाती है तब ये मेथड यूजफुल होती है, जैसे कि ट्रेन में, इलेक्ट्रिक उद्योग, गैस, वाटर लाइन वगैरह में ये मेथड यूजफुल होती है। ऐसी कॉस्ट के लिए कोई यूनिट होते नहीं है, उसको बस ऐसे ही उपजाई जा सकती है। अब देखते हैं टेबल शोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड इंडस्ट्रीज टू विच एप्लीकेबल, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मेथड यूज होती है उसका टेबल है। तो यूनिट आउटपुट और सिंगल कॉस्टिंग, उसमें मीन्स एंड क्वेरीज, ब्रिक वर्क्स, डेरीज, पोएट्री, फ्लोर मिल्स, बेवरजीज, पेपर मिल, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स। अब जॉब कॉस्टिंग, तो प्रिंटिंग प्रेस, गैरेज एंड रिपेयर शॉप, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, प्रोडक्शन ऑफ मेड टू ऑर्डर आर्टिकल्स। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एटसेट्रा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। अब बैच कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हार्डवेयर मेकिंग लाइक बोल्ट्स, नट्स, स्क्वायर एटसेट्रा, बाइसिकल पार्ट्स। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें केमिकल वर्क्स, ऑयल रिफाइनरीज, पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोप वर्क्स, कॉन्फेक्शनरी, सुगर मिल्स। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनीज, गैस सप्लाई कंपनीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स। उसके बाद मल्टीपर और कंपोजिट कॉस्टिंग, मल्टीप्लाई और कंपोजिट कॉस्टिंग में एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड का उपयोग होता है, जैसे कि कार, बाइसिकल, टीवी, एरोप्लेन,
एटसेट्रा। इसमें मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग मेथड यूज होती है। उसमें फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाइसिकल मेकिंग इंडस्ट्री, रेडियो एंड टेलीविजन मेकिंग इंडस्ट्री, सेविंग मशीन मेकिंग इंडस्ट्री, टाइपराइटर मेकिंग इंडस्ट्री। स्टूडेंट, इस टेबल पर से आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में इंडस्ट्रीज के नाम दिए होंगे, उसमें से आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में बताना होगा। हमने जो जो थियोरीज देखी है वो सब में से थियोरी भी आएगी और ये कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इस टेबल में से। तो आप लोग ये टेबल को प्रिपेयर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम इस कोष्टक के बारे में हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड यू एम्प्लॉय फॉर द फॉलोइंग। फ्लोर मिल्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, होटल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया था। उसमें बोला है कि ये जो इंडस्ट्रीज है उसमें कौन सी मेथड यूज होती है, वो रीजन के साथ हमको बताना है। तो सबसे पहले हम फ्लोर मिल्स के बारे में देखते हैं। तो फ्लोर मिल्स, इन दिस इंडस्ट्रीज यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड बिकॉज द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर टर्न्ड आउट एंड प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस वन। यानी कि इस इंडस्ट्री में भी यूनिट कॉस्टिंग का यूज होता है बिकॉज उसमें प्रोडक्शन के यूनिट एक समान है, इसी वजह से उसमें यूनिट कॉस्टिंग का यूज होता है। अब दूसरा, होटल इंडस्ट्रीज, इट रेंडर्स सर्विस सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड। इन दिस केसेस यूनिट ऑफ कॉस्ट एसर्टेनमेंट इज आइदर अ बेड और अ रूम और अ विजिटर। यानी कि होटल इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होगा बिकॉज होटल में हमको सर्विसेज यानी कि सेवाएं प्राप्त होती है, इसीलिए उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। होटल इंडस्ट्री में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक बेड या एक रूम के आधारित, विजिटर के आधारित कॉस्ट डिसाइड होती है। अब देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन केस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स बट रेंडर सर्विस ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन एडवांटेजेस। पैसेंजर बस कंपनीज कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। कॉम्पोजिट यूनिट पैसेंजर किलोमीटर्स और पैसेंजर माइल्स इज यूज्ड बाय विच कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वन पैसेंजर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर और माइल्स इज एसर्टेन्ड। तो ऑब्जेक्ट इज एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल एंड टू फिक्स्ड रेट फॉर कैरिंग पैसेंजर। यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होगा बिकॉज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हमें सर्विस देती है, हमको सेवा का लाभ देती है, इसीलिए उसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होगा। चलो उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज, तो जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज एम्प्लॉयड इन केमिकल इंडस्ट्री। इन केमिकल इंडस्ट्री आर्टिकल सेज टू अंडरगो 2 or more पैसेंजर प्रोसेसेस बिफोर इट रिचेस फाइनल स्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड। मोर ओवर वेस्टेज ऑक्यूर्स एंड बाय प्रोडक्ट अराइजेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो कॉस्ट पर यूनिट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज
सूटेबल, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज होता है, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो सारे स्टेजेस यानी कि वेरियस स्टेजेस में से प्रोसेस होता है, इसीलिए उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। सो स्टूडेंट, हमने एक एग्जांपल देखा, ये इतना ही एग्जांपल है जो दिसंबर 2013 में पूछा गया था, वो 4 मार्क्स का है। आप भी इस तरह एग्जांपल में आपको यानी ये सारे नहीं आ सकते और दूसरे भी आ सकते हैं, तो वो टेबल पर से आपको वो प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, ये यूनिट यानी कि ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे यूनिट के बारे में देखेंगे। ये था यूनिट 1 कॉस्ट अकाउंट्स, उसमें हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखा है, और आगे हमने फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फिनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्टिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और ये टेबल और ये एग्जांपल के बारे में हमने देखा है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।